हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजन, यू आर वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास लॉयड का इन्वर्टर एसी है और उसमें ई फॉर एरर आ रहा है तो आप उसको घर में कैसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अगर आप तक अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल रजा रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो रहेंगे इस टाइप के वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे। और अगर आपको फ्रिज ऐसी वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ सॉल्यूशन चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे सजेस्ट कर मुझसे बात करने के लिए आप बात कर सकते हैं। बात करने के लिए गाइस, इंस्टाग्राम के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है, आप उसमें जाके मुझे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ फोटोग्राफ भेजना है तो मैं देख के बड़ी आसानी से आपको उसका सॉल्यूशन बता सकता हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बताता हूं कि आपको लॉयड इन्वर्टर एसी अगर आपके पास है उसमें ई फॉर एरर आ रहा है तो उस एरर के बारे में आपको बताऊंगा। ई फॉर एरर जो है गाइस वो रूम टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट है, उसको आप चेंज करना बहुत जरूरी है आपको उसको। और रूम टेम्परेचर अगर बाई चांस आप एसी खोल के देख लीजिए, हो सकता है एसी ने चूहे एसी के मतलब सेंसर के वायर को चूहे ने ब्रेक कर दिया हो, उससे भी आपका ई फोर एरर आ सकता है। तो पहले उसको चेक कर लीजिए, अगर उसमें अगर आपका एसी का वायर बिल्कुल सही है सेंसर का वायर तो आप रूम सेंसर बिल्कुल चेंज करिए, तो उसके बाद ये ई फोर एरर जो है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर दें।